कंग्रेचुलेशंस करना चाहता हूँ। रैंक टू बहुत बड़ी बात होती है, पर तुमने कल वो काम किया ना जो लाइक 10 साल में आज तक नहीं हुआ। मुझसे इतने रैंकर्स पढ़ के निकले 1-2 पर, तुम्हारे जैसा काम जो मुझे सबसे पसंद आया वो थी तुम्हारी ईमानदारी। मैं इतना इमोशनल हुआ कल। आई थिंक तुमने प्रवीण शर्मा सर के साथ तुम्हारा वीडियो था कुछ, प्रवीण शर्मा सर के साथ तुम्हारी वीडियो हो रही थी, उन्होंने सब्जेक्ट वाइज पूछा, हाँ जी तो सर, उन्होंने पहले पूछा डायरेक्ट टैक्स के बारे में, तो तुमने बोला कि हाँ मैंने सिद्धार्थ अग्रवाल सर से लिया है कैलकाटा से, फिर लॉर्ड इटली उन्होंने पूछा तुमने मेरा नाम लिया, तो ये बात ना मतलब मुझे एकदम टच कर गई दिल को। बिकॉज आई हैव कम अक्रॉस मेनी रैंकर्स जो मतलब थोड़ा नाम को लेके ये होते कि हम टीचर का नाम नहीं बताएंगे, अनग्रेटफुल रहेंगे, ग्रैटिट्यूड वो देते नहीं है, क्रेडिट नहीं देते, पर तुमने एकदम ईमानदारी से बिना कोई चीज के थर्ड टीचर्स दूसरे टीचर्स के सामने मेरा नाम लिया, ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ी बात थी। मतलब मैं बता रहा हूँ 10 साल में आज तक ऐसा नहीं हुआ। दैट इज नंबर वन, वो दिखाता है जी तुम्हारी ऑनेस्टी, ईमानदारी नहीं है। देखो रैंक से टैलेंट और मेहनत तो दिख ही रहा है, वो तो साफ दिख रहा है कि somebody has secured टॉपर रैंक, वो मेहनती है, वो टैलेंटेड है, बट कैरेक्टर कोई कैसे जज करे, तो वो तो सर्टिफिकेट और प्रमाण कर तुमने दे दिया। मैं इसीलिए आज पहली बार शायद जूम मीटिंग पे, जूम मीटिंग तो मैं पहली बार ही कर रहा हूँ, पहली बार मतलब तुम्हारे साथ ही मैं मीटिंग कर रहा हूँ, बिकॉज मैं रियली बहुत टच्ड हो गया था कल। दिन भर कल मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि यार ये लड़का कितना सच्चा ईमानदार है। थैंक यू फॉर दैट, थैंक यू सो मच। थैंक्स सर, ऐसी बात नहीं है सर, जो आपने सर सब कुछ सिखाया है सर, हमें तो सर कुछ भी नहीं आता था सर, आपने सब कुछ सिखाया सर, लॉ ऑडिट टैक्स सर, आपने कैसे पढ़ना है सर, सब कुछ आपने तो सिखाया सर। इसमें सर झूठ क्या बोला सर, जो सच है सर वही बताया सर। हाँ पर मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, मैं बहुत खुश हुआ था इस चीज को लेकर। और तुमने सारी क्लासेस शायद ऑनलाइन मोड में की है ना पटियाला में? यस हाँ, तो ऑनलाइन क्लासेस सर होने के बावजूद भी अपना पूरा डिसिप्लिन मेंटेन करना और पढ़ाई करना वो बहुत हार्ड होता है। यहाँ तो ऑफलाइन में मतलब हम लोग देखते हैं ना स्टूडेंट्स लोगों की, सब बोलते थे सर ऑनलाइन में घर में पढ़ाई नहीं होती, डिसिप्लिन नहीं है, तो ऑनलाइन में रह के इतना बड़ा काम कर देना ये मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तुम एक बात बताओ, तुम्हें मेरे डायरेक्ट टैक्स के बारे में कैसे पता चला? मतलब जब तुमने मेरी डायरेक्ट टैक्स की क्लासेस ली सर, तो जो मेरी कैसे, सिस्टर है, हाँ जी सर, तो तुम्हें हाँ कैसे जी पता सर, जो चला मेरी मेरा सिस्टर है डायरेक्ट? सर वो भी सीए है, सर अच्छा जो मेरी सिस्टर है सर वो भी सीए है, उसने आपसे पढ़ा था और लॉ और ऑडिट। तो सर आपने शायद लॉकडाउन के बाद डायरेक्ट टैक्स शुरू किया शायद, उसने मुझे कहा अच्छा कि आप एक बार डेमो दे लो सर यूट्यूब पे जो है बैच का, अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप उसको उनको रेफर कर सकते हो। तो मैंने आपको अच्छा सर डेमो देखा सर, मुझे डायरेक्टर सर बिल्कुल नहीं पता था कि क्या होता, बस ये पता है कि ये जो सरकार है उसको मैं पैसे देने होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता था। पर जो सर आपने उसके बाद नॉलेज दिया वो एक लेक्चर में सर, तो फिर मैंने सोचा सर सारे सब्जेक्ट आपसे लेना जो आप पढ़ाते हो, सीधा थैंक सर यू आपसे सो मच, क्लासेस ले ली सर। थैंक यू सो मच यार। मेरा आज इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मतलब एक ही पर्पस था कि आई वांटेड टू एक्सप्रेस माय ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स यू। मतलब मैं अगर कोई बात बोल रहा हूँ तो मैं दिल से बोल रहा हूँ। मतलब कल जो तुमने किया ना वो मतलब मेरे को वो बात टच कर गई एकदम दिल को, कि मतलब एक स्टूडेंट पूरी ईमानदारी से दूसरे टीचर्स के सामने भी एग्री मतलब बता रहा है, मेरा नाम ले रहा है कि हाँ मैंने डायरेक्ट टैक्स भी सर से किया, लॉ ऑडिट भी सर से किया, वो बात मुझे बहुत खुशी दी। बिकॉज ऐसा बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है। बिकॉज मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका रैंक आता है तो वो रैंक बताना भी नहीं चाहते कि नहीं हम अपना रैंक, पर तुमने एकदम बिना, मेरी तो बात भी नहीं हुई थी तुमसे कभी, मेरे को बस तुम्हारा नाम याद था, बिकॉज हाँ तुम्हारे नाम से जी मैंने सर, बहुत सारे व्हाट्सएप और ईमेल्स वगैरह पे शायद हमारी बातचीत या डाउट्स वगैरह सॉल्विंग हुई है हाँ कभी, जी तो सर, डाउट्स तुम्हारा वगैरह, नाम हाँ मुझे जी याद था। मैं क्लास के अंदर था, 11 बजे से 2 बजे के बीच में, उसी दौरान मेरे टीम मेंबर ने आके बताया कि AI2 नूर सिंगला, तो ये नाम सुना हुआ है, तो शायद हाँ ईमेल पे जी डाउट्स सर, बताए होंगे या व्हाट्सएप हाँ जी पे डाउट सर, बताए होंगे, इसलिए पता है डाउट्स मुझे। बहुत पूछे हैं सर ईमेल से हाँ मैंने वो सर, नो तुम्हारा डाउट, नाम यूनिक टाइप का है तो मेरे को वो क्लिक कर गया हाँ था जी एकदम। सर, हाँ पहले जी जब मैं सर, सच बोला मुझे लगा कि नूर नाम है तो शायद लड़की का नाम होगा, मुझे नहीं पता था कि लड़के का नाम है। हाँ जी सर, सबको सर ये पहले यही लगता है कि कोई लड़की होगी, पर सर हाँ यूनिक यूनिक नेम है सर बहुत ज्यादा ये, हाँ जी नेम है, अच्छा नाम है, और अब तो सर, तुमने उसको और यूनिक बना दिया है। हाँ जी सर, ये तो सर आपने सर जो कराया सर उसकी वजह से हुआ सर ये सब कुछ, तो सर मैं सर सोचा भी नहीं था सर कभी ये होगा। और अब तो एक बहुत अच्छी जो तुम्हारे बैच के लिए एडवांटेज वो ये है कि तुम लोग के लिए राइट टाइम पर नया सिलेबस भी आ गया, तो अब तुम 2 साल के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पे जाओगे इंस्टेड ऑफ 3 इयर्स, तो ये बहुत सही हो गया।
कई स्टूडेंट्स होते हैं जो इंटर में रैंक लाते हैं, पर फिर यस वो सर, आर्टिकलशिप का जो होता है ना कि 3 साल के बीच में फाइनल देना पड़ता है, उनसे उनकी तैयारी खराब हो जाती है और रैंक मिस हो जाता है। मेरे साथ पहले भी एक बार स्टूडेंट का एक हुआ हुआ है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, नाम लेना उचित भी नहीं होगा, रैंक 2 स्टूडेंट था वो इंटर का, ये आज से 4-5 साल पुरानी बात है। तो वो बिग 4 में आर्टिकलशिप भी किया ENY में, पर फिर फाइनल में उसका रैंक नहीं आया। तो वो इसलिए बिकॉज 3 साल वाले सिस्टम में क्या होता है, बीच में एग्जाम के मतलब आर्टिकलशिप के बीच में फाइनल का एग्जाम पड़ जाता है, तो तैयारी डिस्टर्ब हो जाती है। तब तो वो तुम लोग को तो बहुत अच्छा रहेगा कि तुम 2 साल कंप्लीट पहले तैयारी करो, फिर 6 महीने का ब्रेक और फिर एग्जाम है, तो तुम पढ़ाई कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो। हाँ जी सर, और तुम्हारे अंदर हेलो सबसे बड़ी जो, हाँ सर, आवाज आ रही मेरी, सर? हाँ मुझे आ रही तुम्हारी आवाज। हाँ जी सर, आ रही। और तुम्हारा तो हाँ सबसे जी बड़ा सर, जो सही टैलेंट बात कह तुम्हारा, रहे हो सर, आ रही तुम्हारा, जी। मेरी आवाज आ रही है तो, हाँ सबसे बड़ा टैलेंट जो तुम्हारा कि तुमने, हाँ जी सर, हाँ, ऑनलाइन क्लासेस देखने में मास्टरी कर ली है, कि तुमको फेस टू फेस होने की जरूरत नहीं, तुम घर पे भी पढ़ सकते हो, एक फाइनल के स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी होता है। हाँ जी सर, अब कैसा लग रहा है घर में, कौन रहा है घर में, तो सेलिब्रेशन का माहौल होगा पूरा। हाँ जी सर। कल सर 10:30 बजे रिजल्ट आया था, तो सीधा पहले पापा को फोन आया था ना, क्योंकि दिल्ली से प्रेजेंट सर का, तो अच्छा, पहले पापा से बात हुई थी, तो फिर पापा घर नहीं थे, फिर पापा अच्छा का घर पे फोन आया कि रिजल्ट आ चुका है। हम तो लैपटॉप लेके बैठा था मैं सुबह से 8 बजे से, तो अच्छा फिर पापा ने बताया तो सारे खुश हो गए एकदम ही, बस सुन के कि AR1 आ गया, AR2 आ गया उसमें। हाँ जी 2-1 से कम नहीं होता वो, मतलब वन सर, टू थ्री मतलब यू आर अ टॉपर, हाँ जी उस सर, बात का तो जरा सभी मन में होना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं सर, वो तो मैं तो खुश हूँ कि इतने अच्छे नंबर आ गए सर, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे। हाँ वहां तुम्हारे नंबर्स बहुत सॉलिड है, मैंने नंबर्स देखे, 90s में सारे नंबर हैं, 97 98 ऐसे करके काफी पेपर्स में जी आते सर, हाँ हैं। जी सर, प्रैक्टिकल में सर ज्यादा नंबर आए हुए हैं सर। हाँ, प्रैक्टिकल में ज्यादा नंबर आए हुए हैं, 98 पूरा एकदम 90s में ही है, इवन जो तुम्हारे थ्योरी पेपर्स हैं इसमें पूरा 80s में मार्क्स गए हैं, तुम्हारे मार्क्स बहुत जबरदस्त हाँ हैं। जी, हाँ जी सर, 80s में है। मैं तो आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ सर, आपने इतना अच्छा पढ़ाया है ना सर, जो सारी थ्योरी है सर, वो जो पेपर लिख रहा था सर, जो जो सब कुछ याद आ रहा था दिमाग में, जो आपने क्लासेस में बोली हुई थी सर, सेक्शन नंबर भी मुझे सभी याद थे बिल्कुल ही, आपने क्लास में साथ साथ याद करवा दिया था सर, जो सर बहुत हेल्पफुल होता है सर उसके लिए एग्जाम लिखते वक्त सर। हाँ, मुझे एक्चुअली जो भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं वो मुझे बहुत पढ़ाने में आनंद होता है, मुझे मतलब एक्चुअली मैं यस थ्योरी को सर, तो बहुत जो आपने इज्जत सर से टैक्स भी पढ़ाया सर, एफर्ट देके समझा के मैं करता हूँ। यस सर, तो टैक्स भी जब मैंने चालू किया यस तो मुझे, सर, मैंने यही एटीट्यूड से किया कि मैं टैक्स में उस लेवल की अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूँ कि स्टूडेंट को इनकम टैक्स सब्जेक्ट से एकदम प्यार हो जाए, वो डर बंद हो जाए और वो मास्टर बनने की सोचे, एक्सपर्ट बनने की सोचे। तो बहुत मेरा हाँ जी रिसर्च सर, एफर्ट गया है इसमें, इनकम टैक्स में। तुम्हारे जैसे तो जो स्टूडेंट्स आपके होते सर हैं ना, बुक वो से पता लगता है सर, एक्चुअली कोर्स तुम्हारे जैसे से। स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, वो इतना इंस्पायर और मोटिवेट कर देते हैं कि एक जिम्मेदारी का एहसास होने लग जाता है कि नहीं, आज अगर कोई स्टूडेंट रैंक ला रहा है और इतनी बड़ी बात बोल रहा है, तो और जिम्मेदारी की फीलिंग आती है कि नहीं, आई हैव टू वर्क हार्डर एंड बेटर, मैं मुझे अपने काम को, अपने स्किल को और बेहतर करने की जरूरत है, एक इंस्पिरेशन मोटिवेशन मिलता है। मतलब मैं कितना डिप्रेशन में था मैं बता नहीं सकता हूं, पर कल जब जो तुमने किया ना, मैं बता रहा हूं, मतलब मैं डिप्रेशन के बाहर निकल गया था एकदम, मतलब इतना मैं डिप्रेस्ड हो गया था कि 1 साल हो हाँ गया वो सब इतनी मेहनत देखा ही है करते सर, हुए, इनकम टैक्स में मैं बहुत मेहनत किया हूँ, बहुत ज्यादा हूं, मैं बहुत डिप्रेस में हो गया, मुझे लगा यार क्या हो रहा है, मतलब लोग समझ नहीं रहे हैं क्या मेहनत है नहीं मेहनत है। और अगर मेरा YouTube चैनल कोई देखेगा तो पाएगा कि मैंने इनकम टैक्स पे जितने वीडियोस और मैराथन डाले, शायद वो लॉरेड में भी नहीं डाले होंगे 10 साल में, पर फिर हाँ वही है। तो जी मतलब एक बार तो हिम्मत ही टूट गई लगता है छोड़ने की, फिर तुम जैसे पता नहीं होता ना, भगवान का गॉड गिफ्ट आ गया कि ये देखो ये स्टूडेंट है, तब जाके खुशी मिल गया, चलो मेरी मेहनत सफल हुई, मुझे और मेहनत करनी चाहिए, इसमें और बेहतर होना चाहिए। नहीं सर, जो आपके सर नोट्स हैं इनकम टैक्स के सर, बुक सर इतनी अच्छी बनाई है सर आपने, उसको अगर हम 3 महीने के बाद भी पढ़ते हैं, सब कुछ वापस से याद आना शुरू हो जाता है। जो सेक्शन नंबर है सर, मुझे एक एक सेक्शन नंबर याद था, जो आपने कहा था ना ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है इसको याद नहीं अच्छा, करना है सर, सेक्शन वो नंबर भी सारे याद, मैंने अच्छे से याद हो गए थे अपने आप सर। हाँ जी सर, बढ़िया है, सारे TDS के सेक्शन रेट वगैरह बहुत सर, हार्ड सब कुछ एटीडीएस याद का हो गया क्वेश्चंस सर, पे याद आपने क्लास करना। में याद करवा दिया था सर।
थैंक यू यार, मैं और मेहनत करूंगा इस चीज पे। अगर स्टूडेंट सेक्शन नंबर याद करना चाहे तो इससे बढ़िया बात क्या होगी। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए तुमको मैं वीडियो बनाया था, और थैंक यू सो मच, रियली थैंक यू। थैंक यू सर, आप बोल दिया सर, एंड आपने वंस इतना अगेन आई विल टेक्निकल टेल यू, क्वेश्चन मतलब बताया ना कि एकदम एक्चुअली। लास्ट 10 ईयर्स में दिस हैज बीन द फर्स्ट टाइम जो कल खुशी तुमने मुझे दी ना, मतलब सबके सामने मेरा नाम एकदम बड़ा कर दिया तुमने अचानक से, मुझे एहसास होने लग गया। थैंक यू। सर थैंक यू की बात नहीं सर, आपने टैक्स इतना अच्छा पाया, आपकी मेहनत सर बहुत दिखती है सर, बुक में दिखती है सर आपने कितनी मेहनत से नोट्स बनाए हुए हैं सर। जो आईसीए की मॉड्यूल है सर, जो आपकी मॉड्यूल है सर, हम दोनों के देखते हैं सर, डिफरेंस पता लगता है कि आपने जो हाईलाइट किए हुए हैं, बीच में बोल्ड किया हुआ है, अंडरलाइन किए हुए हैं सर, वो सर पता लगता है सर आपने कितनी मेहनत की है सर उससे। सर उससे इतना हेल्प होता है सर पेपर में बताने से सर आपको सर, तब आपने इतना अच्छा पढ़ाया ना सर, लॉ भी सर बिल्कुल सारे सेक्शन अभी याद हो गए सर, जो आपने क्लास में ही हो गए थे आप पढ़ाते हो लॉ, ऑडिटर सर लैंग्वेज इतनी अच्छे से याद हो गई थी सर, जो आप क्लास में बार बार बोलते हो सर, जो होता है सर मेन लैंग्वेज होता है जो हाँ, ऑडिट है वो तो मेन लैंग्वेज का ही गेम होता है पेपर में सर, तो जो और आपने जो क्लास हाँ, में बोला सर वही सब कुछ पेपर चल रहा था सर। और ये एक्चुअली काम भी बहुत आएगा जब तुम अभी ऑफिस में जाओगे काम करने, तुम देखोगे कि जो भी तुमने ये सीखा है ये एक्चुअली वहां पे तुमको देखने को मिलेगा। मोस्ट प्रोबली तुम बिग फोर में जाओगे आर्टिकल ट्रेनिंग करने के लिए ना, तो हाँ वहां जी पे सर, तुमको जो भी ऑडिट में जो हम लोग मैं बोलता था ना क्लास में कि ये सब लैंग्वेज देखोगे वहां होते हुए देखोगे ये सब चीज को सच में, तो और हाँ इमोशन जी बिल्ड सर, होगा, फीलिंग आएगा उस टॉपिक के प्रति, इससे और हाँ मतलब जी सर, फर्क पड़ेगा आगे। एक छोटा सा मैं और बोलना पूछना चाहता हूँ ये सारे स्टूडेंट्स के लिए कि ऑनलाइन क्लासेस का एक युग आ गया जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग शहरों में रहते हैं और घर में क्लासेस कर लेते हैं, तो एक स्टूडेंट जो घर में क्लासेस कर रहा है जो टीचर के पास नहीं जा रहा है वो कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रखे है? मोटिवेटेड सर, क्योंकि सर 9-6 मंथ के सर क्लासेस हो जाती हैं सर, रोज पूरा दिन सर क्लासेस में निकलता है सर, तो मोटिवेटेड सर ये ऐसे मैं तो अपने आप को मोटिवेट ऐसे रखता था जैसे मुझे गाने सुनने अच्छा लगता था सर, और मैं सर क्रिकेट भी खेलता था सर कभी कभी, तो इसलिए सर मुझे जैसे होता है ना कि अगर सुबह आप साइकिलिंग कर लेते हो सर माइंड फ्रेश रहता है सर पूरा दिन थोड़ा सा, तो सर बहुत हेल्प अच्छा, मिलती है सर ऐसे, तो मेरे घर वाले सर उन्होंने सर बहुत सपोर्ट किया सर मुझे, तो और जो सर सिस्टर है सर उसने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि सर बीच में सर पेपर में मतलब पेपर 3-4 महीने पहले सर बिल्कुल मुझे ऐसा होता था मैं छोड़ दूं क्यों मेरा हो नहीं रहा मेरे से अब सर, पर फिर भी फैमिली उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं जितना होता है उतना कर लेना, उसके का बाद सर फिर सपोर्ट हाँ जी सर फैमिली सर सपोर्ट बहुत किया सर और फैमिली दीदी ने ने सर, सपोर्ट तो किया ही होगा, वो हाँ जी सर खुद सी हैं तो उसने करेंगी हेल्प। तो सर सबसे ज्यादा किया सर, हाँ, वो हाँ जी सर तो एक बड़े भाई बहन का जो साया होता है बहुत काम करता है, वो भी अगर सेम पढ़ाई में हाँ हो जी सर, हाँ जी सर फाइनली सर आपसे पढ़ना है सर मैंने, आपने इतना अच्छा पढ़ाया सर इंटर में, तो फाइनली भी आपसे अरे पढ़ूंगा थैंक सर, यू यार, थैंक यू। मतलब और तुम अभी मतलब जैसे पटियाला में ही हो तो आर्टिकलशिप के लिए मतलब वहीं रहोगे कि शिफ्ट करोगे कहीं? नहीं सर सर मैंने तो सर यही सोचा है दिल्ली गुड़गांव साइड जाऊंगा सर, क्योंकि सिस्टर की गुड़गांव, वहां पर ही है, हाँ वहीं पे है सारा, तुम्हारे हाँ जी बगल सर, में है ना शायद? हाँ वहां सारे हाँ के जी सर, सारे बिग फर्म्स तो गुड़गांव में आजकल ऑफिस है उनका, वो यस सर, अच्छा डिसीजन रहेगा, अगर मौका मिले तो हमेशा बिग फोर में ही जाना चाहिए, टॉप में अच्छा एक्सपोजर मिलता है उससे। अच्छा हाँ जी सर सर वहां पर ही ट्राई करेंगे सर बिग 4 में सर, हाँ होना तो है ही बिग फोर में, वो हम सब जानते हैं। जी सर, ओके नूर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सर। थैंक यू।